हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। ये घटना सन 1935 की है और इसी वक्त भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास भी किया गया था। उसी दौर की बात है जब विक्टर गॉडार्ड अपने विमान से यात्रा के लिए निकले और स्कॉटलैंड से होते हुए अपने शहर जा रहे थे। तब उन्होंने अलग रास्ते पर जाने का फैसला लिया जो एडिनबर्ग के शहर से करीब था, मगर कुछ समय बाद उसके आसपास का मौसम अचानक बिगड़ गया और उनका हवाई जहाज डिसबैलेंस हो गया। कुछ ही समय बाद जब मौसम साफ हुआ तो विक्टर गॉडार्ड ने देखा कि वो एक अलग ही एयरपोर्ट पे आ गए हैं जो देखने में काफी आधुनिक दिख रहा था। ये सब देखकर वो घबरा गए क्योंकि उनका तो एयरपोर्ट बंद पड़ा था और यहाँ पर पूरा काम हो रहा था। विक्टर ने वहां और भी कुछ देखा, जैसे कि उनका खराब हुआ रनवे बिल्कुल नया था। वहां चार पीले रंग के आधुनिक विमान मौजूद थे और मॉडर्न ब्लू ड्रेस में एयरपोर्ट के वर्कर्स दिख रहे थे। ये सब देखकर वो घबरा गए और उन्होंने अपना विमान इस जगह पर नहीं उतारा बल्कि वापस मोड़ लिया और फिर वो उसके बारे में सोच ही रहे थे कि कुछ ही समय में उन्हें दोबारा तूफान का सामना करना पड़ा और एक बार फिर वो रास्ता भटक गए। मगर तूफान शांत होने के बाद वो किसी तरह अपने शहर पहुंच गए। अपने शहर पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई, पर उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। पर 4 साल बाद उस एयरपोर्ट का नया रनवे बनाया गया। इसके साथ एयरपोर्ट कर्मचारियों के यूनिफॉर्म का रंग नीला रखा गया था और तो और वहां पीले रंग के एडवांस प्लेन्स भी बनाए गए थे। इसका मतलब कि सर विक्टर टाइम ट्रैवल करके समय में 4 साल आगे आ गए और उन्होंने भविष्य की नई दुनिया देखी। आपको ये टाइम ट्रैवल और भविष्य इन सब बातों के बारे में बताने का हमारा बस एक ही मोटिव है और वो ये है कि क्रिश के मेकर्स क्रिश 4 के साथ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार वो इसी तरह की कहानी हमारे सामने लेकर आए।